YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। रंगा प्रखंड स्थित ईदगाह में शनिवार को ईद की विशेष नमाज अदा की गई। रंगा की मौलाना मोहम्मद मुफ्ती साहब ने देश में अमन चैन व सद्भाव के लिए मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ाई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान गुलाब के फूल की तरह खुश एवं सुगंधित रहे व गंगा जमुनी संस्कृति हमेशा बनी रहे, इसके लिए अल्लाह से दुआ मांगी गई। वहीं विशेष नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की ढेरों मुबारकबाद दी, फिर एक दूसरे से गला मिलने और सेवैयां व लजीज पकवानों का भेंट देने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जो देर रात तक चलता रहा। लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को मुकम्मल करके ईद की नमाज़ रंगा ईदगाह में हम लोगों ने बज़ाबता तौर से मेल मोहब्बत इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ पढ़ा। और इस ये ईद की नमाज़ में तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी मकते फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, भाईचारगी, अख़ुवत, मोहब्बत, प्यार की दावत दी जाती है। और इसी वजह से ईद की नमाज़ के बाद जो दुआ की जाती है तमाम लोगों के लिए, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, खुसूसन इस मुल्क में खुशहाली के लिए दुआ की गई, तरक्की के लिए दुआ की गई, ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे और तमाम दुनिया में नाम पैदा करे, और तमाम लोगों के भलाई के लिए दुआ की गई। और इंशाल्लाह इसी तरह अगर कायम रहा तो हमारे मुल्क में भाईचारगी फैलेगी, अख़ुवत फैलेगी और रिश्ते अख़ुवत फैलेगी और मोहब्बत का पैगाम जाएगा, जिसकी बुनियाद पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ अदा किए।